अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने डिज़ाइनिंग टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल, डाटा ग्रिड व्यू, कलर चेंज ये हमने बताया था। अब हम ये टेक्स्ट बटन का नेम चेंज करना आपको ये बताएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ टेक्स्ट है वहाँ पे हम इसके नेम चेंज करते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट इसका नाम बटन होता है और इसका हमने यहाँ पे नाम बटन कैलकुलेट रखा हुआ है। अब हम इस बटन की फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए हम अपना असल कोड यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो डाटा ग्रिड व्यू डाला हुआ है उसकी रोज़ को क्लियर करेंगे कि उसके अंदर अगर प्रीवियस डाटा को मौजूद है तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एक फंक्शन राइट करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। प्राइवेट वाइड, प्राइवेट उसकी टाइप है जिसमें पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तीन टाइप्स होती हैं। वाइड का मतलब है कि उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है और इज हैवी उस फंक्शन का नेम है। यहाँ हमने फंक्शन डिफाइन करना है, इसके अंदर कोड लिखना है। ये दो लाइंस हमारे जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो टेक्स्ट बॉक्स वन, ये वैल्यू एक्स है और ये टेक्स्ट बॉक्स टू, या इसको हमने वैल्यू वाई का नाम दिया हुआ है। ये एक्स और वाई में जो भी हम वैल्यू डालेंगे ये हमारा कोड या ये प्रोजेक्ट है एज ए स्ट्रिंग रीड करता है इनपुट को। तो जब हम उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं तो उसको सबसे पहले हम उसको मैथमेटिकल में लेके जाते हैं कि उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में। वो तो टेक्स्ट मौजूद है उसके अंदर, तो टेक्स्ट को हम इंटीजर में लेके जाते हैं, फिर हम उसकी आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस लाइन में सबसे पहले उसके जो वैल्यू एक्स वाली इंटीजर जो भी हमने इनपुट देनी है उसको हम एक्स में ले जाएंगे और वाई वाली वो वाई में ले जाएंगे। उसके बाद एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर, उसकी डेटा टाइप होगी, उसका नाम होगा हैवी काउंट और उसको इनिशियलाइज करेंगे हम ज़ीरो से। वो हमारी टेस्ट फेज वन की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हमने हैवी काउंट्स बताने थे कि हमारे जो रेंज दी हुई थी इंटीजर की दो नंबर्स के दरमियान में उसके हैवी काउंट्स कितने बनते हैं, तो वो ये उसको रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप ये करेगा, फॉर लूप का मैं दोबारा से कर देता हूँ। फॉर लूप, फॉर लूप का कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो होता है इंटीजर, कोई भी हम एक वर्ड करेक्टर हम लिख देते हैं। हमने जे लिया हुआ है इसमें ना, जे के अंदर हम एक्स की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू होगी फर्स्ट वो लेके आएंगे। लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक के जे ग्रेट लेस देन इक्वल टू वाई ना हो जाए, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी होता रहेगा जे प्लस प्लस। ये तो इसका सिंटैक्स हो गया फॉर लूप का। इसके अंदर सारी कोडिंग हम करते हैं। फर्ज करो हमारा जो हमने लिया था, हमने ये एक नंबर लिया है 4990,